सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बिना कोई भी समाज या देश समृद्ध नहीं हो सकता। इनरवहील क्लब डिस्ट्रिक्ट 310 की विचारशील चेयरमैन श्रीमती विशाल प्रिया टंडन का प्रयास है कि सरकार के साथ साथ सामाजिक संगठन भी विद्यार्थियों, शिक्षकों और शिक्षण संस्थाओं को उचित वातावरण, रखरखाव, जागरूकता, स्वच्छता, खेलकूद, खिलाड़ी भावना, सुंदर स्वस्थ वातावरण, शुद्ध पेयजल, शुद्ध भोजन आदि उपलब्ध कराने में अपना योगदान दे। इसी क्रम में आज इनरवहील क्लब ऑफ धामपुर ब्लॉसम द्वारा गोद लिए गए गांव मानपुर शिवपुरी के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्लब ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को सफाई के उच्च स्तरीय टिप्स दिए। 100 सेट स्टेशनरी वितरित की गई। शिक्षकों को शिक्षक दिवस की ट्रॉफी और प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। सभी स्कूली विद्यार्थियों को आयरन, कैल्शियम, एल्मेंडाजाल टेबलेट, फल ORS के पैकेट वितरित किए गए। फर्नीचर दीवारों, दरवाजों, ब्लैक बोर्ड आदि को आवश्यकता अनुसार रंगा गया। फर्नीचर और दरवाजों की आवश्यकतानुसार मरम्मत की गई। जल शोधन के लिए पानी से संबंधित उपकरणों की सफाई की गई और शुद्ध पेयजल के टिप्स दिए गए। विद्यालय को एक खुशहाल विद्यालय की तरह तैयार किया गया। विद्यालय में लगभग 1000 पुस्तकें भेंट कर पुस्तकालय का निर्माण कराया गया। पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत बेकार बोतलों से इको ब्रिक बनाकर खेलकूद की अलमारियां बनाई गई तथा विद्यालय को कैरम, लूडो, बास्केटबॉल, बैट बॉल, वॉलीबॉल किट, बैडमिंटन किट, क्रिकेट किट तथा जंपिंग रोप उपलब्ध कराई गई। IILM योजना के अंतर्गत विद्यालय में नवीन शब्दावली फ्लेक्सी बनवाकर लगाई गई। कौशल विकास हेतु अतिथि विद्वान द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। सर्वप्रथम कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय अतिथि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन विशाल प्रिया टंडन द्वारा फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम से पूर्व चेयरमैन ने क्लब सदस्यों के साथ श्रीमती ज्योति राणा द्वारा अपने विधायक निवास स्थान जट पर आयोजित भव्य स्वागत कार्यक्रम में स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लिया। प्रोजेक्ट चेयरमैन डॉक्टर श्वेता गोयल एवं वॉलंटियर डॉक्टर प्रीति विश्नोई के साथ साथ कार्यक्रम की सफलता में क्लब अध्यक्ष मनमीत कौर, सचिव आकांक्षा, चारु गुप्ता, प्रिया, संगीता गोयल, संगीता अग्रवाल, रेणु अग्रवाल आदि का विशेष योगदान रहा। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।